नमस्कार दोस्तों, आज हम मालवा डायरी में बात करेंगे महेश्वर के इतिहास के बारे में। महेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे पर स्थित है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव विकास का इतिहास है। यहाँ पर हमें पाषाण काल से होते हुए ताम्र पाषाण काल, लोह युग, रामायण काल, महाभारत काल, प्राचीन काल, मध्य युग तथा आधुनिक युग तक के इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। महेश्वर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दुर्खाड़ी नाला नामक स्थान है, जहां पर पाषाण युग के औजार खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। महेश्वर के ठीक पास नावदा टोली नाम के स्थान पर हड़प्पा काल के अंतिम समय के पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर हमें सिरामिक या पकी हुई मिट्टी के पात्र मिलते हैं। यहाँ प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हसमुख धीरज लाल संकालिया ने उल्लेखनीय काम किया है सन 1952 से 1959 के बीच में। प्राचीन काल में महेश्वर हय राजवंश की राजधानी महिष्मति के नाम से प्रसिद्ध था। यह एक चंद्रवंशी यादवों का राज्य था, जिसका उल्लेख हमें रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कार्तवीर अर्जुन थे, जिन्होंने रावण को भी हराकर बंदी बना लिया था। यहाँ आज भी एक जगह है जिसे लोग रावणेश्वर कारागार भी कहते हैं। आज भी महेश्वर के किले के घाट पर राजराजेश्वर मंदिर है, जो कि सहस्त्रार्जुन को ही समर्पित है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश तथा केरल के लोग भी दर्शन करने आते हैं, क्योंकि वह खुद को सहस्त्रार्जुन का वंशज मानते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार हय्या के संस्थापक महाराज यदु के पड़पोते थे। विष्णु पुराण में हय्या को 5 कुलों में बांटा गया है, विधिहोत्र, शय्यार्थ, भोज, अवंती तथा तुडिकेर। हय्या ही अवंती के प्रथम शासक थे। माहिष्मति की स्थापना राजा माहिष्मत ने की थी। एक अन्य प्रमाण के मुताबिक इसकी स्थापना राजा मुचुकुंदा ने की थी, जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे। सहस्त्रार्जुन की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिनका जन्म यहाँ से 54 किलोमीटर दूर जानापाऊ कुटी में हुआ था। भगवान परशुराम ने ही सहस्त्रार्जुन का वध किया था। सहस्त्रार्जुन के काल में ही भगवान दत्तात्रेय का भी उल्लेख मिलता है। महाराज सहस्त्रार्जुन के पड़ पोते विधिहोत्र ने अवंती को 2 भागों में विभाजित किया, उत्तर की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण में माहिष्मति। 4th सदी में यह क्षेत्र महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के अधीन आ जाता है। चंद्रगुप्त के पोते अशोक यहाँ बिंदुसार के समय शासन संभाल रहे थे। अशोक के पुत्रों ने यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था, जिसके बाद यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। 6वीं से 7वीं शताब्दी तक माहिष्मति पर कालचुरी राजवंश का राज रहा, परमार राजवंश का राज रहा, जिन्होंने यहाँ पर कई सुंदर मंदिरों का निर्माण किया, जैसे केशव मंदिर महेश्वर का तथा खरगोन के ऊन नामक स्थान पर, जहाँ राजा भल्लाल देव ने भल्लालेश्वर मंदिर के साथ कई मंदिरों का निर्माण किया, जिस कारण उनको निमाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। परमार राजाओं ने ज्यादा ध्यान मालवा के धार तथा उज्जैन में दिया, इस कारण निमाड़ क्षेत्र यानी माहिष्मति या महेश्वर का विकास नहीं हो पाया। इसके बाद हमें यहाँ एक जैन मंदिर में अकबर के समय के शिलालेख मिलते हैं। यहाँ की अकबरी मस्जिद में शाहजहाँ के समय का उल्लेख मिलता है। इसे खोजने का श्रेय डॉक्टर सुगंधा जौहर को जाता है। महेश्वर पर आप उनकी किताब अहिल्याबाई महेश्वर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद महेश्वर का इतिहास सीधे हमें इसके स्वर्ण युग यानी 18वीं शताब्दी में ले जाता है, जब यहाँ मराठों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में होलकर, पवार तथा सिंधिया महाराष्ट्र के उत्तर में मालवा तथा बुंदेलखंड को जीत लेते हैं, जिसमें से मालवा का सूबेदार मल्हार राव होलकर को बनाया जाता है। मल्हार राव होलकर इंदौर में अपना शासन स्थापित करते हैं। 1747 में वह इंदौर में राजवाड़े का निर्माण कार्य शुरू करते हैं। मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव कुम्हेर के युद्ध में मारे जाते हैं। इनके पश्चात इनकी पुत्रवधु
पुण्य श्लोक माँ साहेब अहिल्याबाई होलकर शासन की बागडोर अपने हाथ में लेती है। अहिल्याबाई अपनी राजधानी सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण महेश्वर ले जाती है। माँ साहब अहिल्याबाई महेश्वर के किले का निर्माण करवाती है। खेती तथा अन्य कार्यों के लिए गुजरात से पाटीदारों को लाकर यहाँ पर बसाया, जो कि आज एक संपन्न समाज है। मातोश्री अहिल्याबाई ने महिलाओं के विकास के लिए बुनकरों को बुलवाकर ऐश्वरी साड़ी का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसे आज GI टैग हासिल है। तो श्री अहिल्या देवी ने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें पुराने जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों का पुनर्निर्माण भी शामिल था। अहिल्या देवी ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे 1696 में औरंगजेब ने तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया था, उसका पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया। बनारस के घाट का पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई ने ही करवाया था। देखा जाए तो अहिल्याबाई होलकर जी ने संपूर्ण भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण में सुंदर सुंदर घाट, धर्मशालाओं तथा मंदिरों का निर्माण करवाया है। मातोश्री अहिल्याबाई होलकर एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। जब इनके पुत्र मालेराव की मृत्यु हो जाती है तथा इसके बाद इनकी पुत्री के पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है, तब राघोबा पेशवा, जो कि पुणे से शासन चलाते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और अहिल्याबाई की संपत्ति पर अधिकार करने के लिए सेना भेजना चाही। तब मातोश्री अहिल्याबाई ने उनसे लड़ने के लिए महिलाओं की एक सेना बनाई तथा अन्य मराठा शासकों को भी विश्वास में लिया तथा राघोबा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा कि अगर मैं आपसे हार गई तो एक औरत को हराकर आपका कोई नाम नहीं होगा, परंतु यदि आप मुझसे हार गए तो आपकी बहुत बदनामी होगी। इस तरह उन्होंने बिना युद्ध लड़े ही अपना राज्य बचा लिया। अहिल्याबाई ने ही अपनी पुत्री मुक्ताबाई की छत्री बनवाई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी महिला के सम्मान में छत्री बनी हो। अहिल्याबाई ने नारी का सशक्तिकरण की अद्भुत मिसाल कायम की है। 13 अगस्त 1795 में मातोश्री अहिल्याबाई का निधन हो जाता है, जिसके पश्चात मल्हार राव होलकर के भतीजे श्री तुकोजी राव होलकर शासन की बागडोर संभालते हैं। तुकोजी राव होलकर ने लाहौर, अटक, पेशावर तक मराठा साम्राज्य की सेनाओं का नेतृत्व किया तथा वहां पे मराठा साम्राज्य के झंडे गाड़ कर आए। इनकी मृत्यु के बाद होलकर घराने की राजगद्दी को लेकर आपसी संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। तुकोजी राव के बाद उनके पुत्र काशी राव राजा तो बन जाते हैं, परंतु उनकी बौद्धिक क्षमता कम होने के कारण वह अच्छे से राज नहीं कर पाते। काशी राव के भाई मल्हार राव होलकर द्वितीय के बीच राजगद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। काशी राव मदद के लिए दौलतराव सिंधिया से हाथ मिला लेते हैं। इसके कारण 1797 में दौलतराव अचानक मल्हार राव पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। यहां से काशी राव के दो और भाई यशवंत राव तथा विठोजी बचकर नागपुर भाग जाते हैं, जहां वह रघोजी भोसले द्वितीय के यहाँ शरण लेते हैं। परंतु सिंधिया के कहने पे 1798 में यशवंत राव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु यशवंत राव यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। यशवंत राव की मदद धार के राजा आनंद राव पवार करते हैं, क्योंकि यशवंत राव होलकर ने भी उनकी मदद उनके खिलाफ हुए विद्रोहों को दबाने में की थी। 6 जनवरी 1799 में यशवंत राव होलकर महेश्वर के किले पर कब्जा कर लेते हैं और होलकर वंश के नए सम्राट बन जाते हैं। यशवंत राव चक्रवर्ती छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। इसके पश्चात यशवंत राव उज्जैन पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि पहले सिंधियाओं के कब्जे में था। यशवंत राव सतारा के छत्रपति के वफादार तो होते हैं, परंतु पेशवा से उनका विरोध था। 1802 में यशवंत राव पुणे पर आक्रमण कर पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा देते हैं। यशवंत राव कोशिश करते हैं कि पूरा मराठा साम्राज्य एक होकर अंग्रेजों से लड़े। पूर्व में हुए धोखे के कारण यशवंत राव मराठा खेमे से बाहर हो जाते हैं तथा वह अन्य राजाओं को भी पत्र लिखते हैं कि आओ अंग्रेजों को हम सदा के लिए भारत से बाहर उखाड़ फेंके, परंतु कोई भी राजा उनके पास नहीं आता, क्योंकि राजा पहले से ही अंग्रेजों से संधि कर लिए होते हैं। इसके बाद यशवंत राव अंग्रेजों से खुद ही युद्ध लड़ने का निश्चय करते हैं। यशवंत राव ने अंग्रेजों को कच्छ के युद्ध में हरा दिया तथा दिल्ली के सुल्तान
शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए आक्रमण करते हैं, जिसके कारण शाह आलम उन्हें महाराजा धीराज राज राजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि देते हैं। अंततः अंग्रेज हार मान लेते हैं तथा यशवंतराव को उनके राज्य का एकाधिकारी मान लेते हैं। यशवंतराव 100,000 सैनिकों की सेना के साथ कलकत्ता पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर फेंकने की योजना बना लेते हैं, परंतु 27 अक्टूबर 1811 में यशवंतराव जी की मृत्यु हो जाती है। यशवंतराव होलकर जी के बाद उनकी पत्नी तुलसाबाई अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखती है, परंतु अंग्रेज पठान और पिंडारियों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश और होलकरों के बीच में एक संधि होती है, परंतु यशवंतराव होलकर की वीर सुपुत्री भीमाबाई होलकर इस संधि को नहीं मानती तथा 1817 में कर्नल मैकलम को गोरिल्ला युद्ध में हरा देती है। 21 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों और भीमाबाई होलकर के बीच महितपुर का युद्ध होता है, जिसमें एक समय ऐसा आता है कि बस होलकर जीतने ही वाले होते हैं, परंतु अंग्रेज गफूर खान जो कि होलकर सेना का सामंत था उसे अपने में मिलाकर वहां से भगा देते हैं। इस धोखे के कारण मराठा यह युद्ध हार जाते हैं। इसके बाद 6 जनवरी 1818 को मराठों और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि होती है, जिसके बाद 1947 तक मराठा हमेशा ब्रिटिशों के अधीन रहकर ही शासन चलाते हैं। सन 1818 के बाद अंग्रेजों के शासनकाल में इंदौर ही मराठा साम्राज्य की राजधानी रहता है, जिस कारण इंदौर का तो चौतरफा विकास हो जाता है, परंतु महेश्वर समय में बंद एक कैप्सूल की तरह वहीं खड़ा रहता है, जिस तरह वह कभी मातोश्री अहिल्या के समय या फिर यशवंतराव होलकर के समय में खड़ा था। आज महेश्वर फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल कर रहा है। यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो रही है तथा वर्तमान होलकर वंशज भी अपनी इस विरासत की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि महेश्वर पुनः वह जगह हासिल कर लेगा जो जगह उसे अहिल्या बाई के समय हासिल थी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।